और सामने उपस्थित नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, दो शब्दों के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूंगा कि हर तीर बदल जाती है, हर तलवार बदल जाती है, हर नूर बदल जाता है, हर सरकार बदल जाती है। जब ये अनुमान की सेना बदलती है तो वक्त की रफ्तार बदल जाती है। प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, इससे बड़ा उदाहरण आप देख नहीं सकते कि टीओडी जब देश के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि हम भारतीय सेना में टीओडी को लागू करेंगे, उसके तुरंत ही बाद अगर किसी नेता का, किसी पार्टी के सुप्रीमो का अगर विरोध प्रदर्शन के रूप में अगर ऐलान हुआ, तो वो राजस्थान की तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का आदेश हुआ कि नौजवानों के साथ जो ये योजना है, ये योजना धोखा है, इसका हम विरोध करते हैं और ये सेना में इसको लागू नहीं होने देंगे। ऐसे विचार अगर किसी के आए तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उसके सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के आए। प्यारे भाइयों, जयपुर की राजधानी में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18 तारीख को हमने पीसी की और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ऐलान हुआ कि बड़ा आंदोलन हम प्रदेश में करेंगे और जोधपुर से उसकी शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से निरंतर हमारा जो नेता है वो आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 6 बज रहे हो, आपके बीच में वो अपील करने गए, आज की महारैली में आपको निमंत्रण देने गए और उसी की देन है।